आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, प्यारे लाल जी ने स्ट्राइक हटा ली आखिरकार, और उन्होंने बड़े रोते हुए माफी मांगते हुए ये कहा है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अब आगे से ये ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उनसे जो गलती हुई उसकी उन्होंने धर्मेंद्र जी से और सभी से माफी मांगते हुए ये एक वीडियो डाला है, जिसको अगर आपको देखना है तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी दीपक प्यारेलाल जी को परेशान करे, प्लीज परेशान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है और सभी को माफ, एक बार तो सबको माफ कर देना चाहिए। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज माफ कर दीजिए, क्योंकि धर्मेंद्र जी को माय स्मार्ट सपोर्ट जो उनका चैनल वापस मिल गया है, दीपक जी ने अपनी स्ट्राइक हटा ली है और उन्होंने बड़े रोते हुए बिलखते हुए माफी मांग रहे हैं। तो प्लीज उनको माफ कर दीजिए, एक गलती सबकी माफ कर दी जाती है। तो आप सभी ने जो धर्मेंद्र जी को सपोर्ट दिया है, धर्मेंद्र जी उसको तो जरूर शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन मैं भी आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आजकल एक दूसरे की मदद लोग बहुत ही कम करते हैं। तो धर्मेंद्र जी जो सबकी मदद करते हैं, उसी का ये फल है कि आप सभी उनके मदद के लिए, पूरा देश, पूरे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जितने लोग जानते हैं, सभी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। और इसी वजह से जो प्यारेलाल जी को ऊपर प्रेशर बना और उन्होंने अपनी स्ट्राइक हटा ली है, तो ये सभी के लिए खुशी की बात है। और मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि स्ट्राइक हट गई है और धर्मेंद्र जी जल्दी इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है कि प्यारेलाल जी और धर्मेंद्र जी मिलकर एक वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धर्मेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका चैनल आपको मुबारक हो, हम सबकी कोशिश मेहनत रंग लाई। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, लेकिन एक बार फिर से कहूँगा कि प्यारेलाल जी को परेशान करना बंद कर दीजिए, और धर्मेंद्र जी आपका आपका चैनल मुबारक, क्योंकि आपको तो 26 जनवरी के पहले 15 अगस्त मनाने का मौका मिल गया है। आपकी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद।